खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंगरौली की। बता दें, सिंगरौली जिले के कटरा आश्रम के समीप कटरा सब स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 11,000 की लाइन का पोल बरसों से टूटा हुआ है। कई मवेशी और जानवर उसमें फंस चुके हैं, लेकिन विभाग अभी तक अनजान बना बैठा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11,000 की केबिल जमीन से 3 फीट की ऊपर पर है और इसमें बिजली चालू भी है। ही नहीं, आपको बता दें कि कटरा सब स्टेशन से गड़ई गांव के लिए जब निकलते हैं, उसी सड़क के किनारे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 11,000 लाइन की केबिल का पोल यहां पर टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। बरसों बीत गया, यहां पर ग्रामीणों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, इस विभाग को कितना लापरवाह है, ये देख कर आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, ये 11,000 की लाइट है, यहाँ पर पोल टूटा हुआ है, केबिल 3 फीट ऊपर नज़र आ रहा है जमीन से, और ये लाइट चालू भी है। 11,000 लाइट है और एक पोल उतना दूर में इस साइड बचा है, और दूसरा पोल अगर इस साइड की बात करें तो इतना दूर में दिख रहा है। तो कहीं आपने शिकायत किया गांव के लोगों के द्वारा, कहीं शिकायत किया गया? लाइट द्वारा किया गया, जिस दिन बकरी फंसी ट्रांसफर, वहाँ से कंट्रोल से लाइट कटाया गया था, फिर लाइट 5 बजे चालू हुई है, दिन भर लाइट कटी थी उस दिन। अच्छा, इसी में लाइट भी चालू रहता है? हाँ, लाइट भी चालू रहता है। जब कोई फंस जाता है तब लाइट बंद करा के उसको निकालते हैं? निकालते हैं। क्या विभाग के लोगों को पता नहीं है ये? विभाग के लोगों को पता है, लाइन मैन यहाँ से सब स्टेशन तो लगभग 100 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी में कुल है। हाँ, 1 किलोमीटर की दूर में है। तो क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसी घटना हो? पता है, वहाँ कम वहाँ ऑफिस में, ये जो सब स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी, कटरा जो सब स्टेशन है उससे 1 किलोमीटर की दूरी का ये हालात है। बिजली का पोल लगभग बरसों से टूटा है और 11,000 की लाइट का केबिल जो है जमीन पर रखा हुआ है, और इसमें लाइट भी चालू है। हाँ, चालू है इसमें। क्या चाहते हैं? इसको ऊपर कीजिए, पोल दीजिए, इसमें हाइड होना है तो इसमें कितना घटना होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जेई होगा, जीएम होगा, कौन होगा? ये शासन होगी। इतना नीचे फसल बोई है, फसल बढ़ेगा, इसमें करंट आएगा, सगले खेत फैलेगा,